हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है सखी रिति यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको पता चल ही गया होगा कि आई एम बैक फ्रॉम राजस्थान एंड आज मैं वेरी स्पेशल वीडियो के साथ आई हूँ। वैसे तो मैं सारे वीडियोस में वेरी स्पेशल ही करती हूँ, और क्योंकि ये सारे ऑफकोर्स स्पेशल है, और क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बहुत स्पेशल वीडियो आपसे शेयर किया था जो कि मेरे मम्मी के परफॉर्मेंस के बारे में था। फिर उससे पहले भी काफ़ी सारे राजस्थान के व्लॉग्स हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने उसे पसंद किया है। सो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे कलेक्शंस शेयर करूँ जो मुझे काफ़ी समय से करने थे, और राजस्थान स्पेशल आइटम्स हैं ये जो कि मैंने वहाँ से ख़रीदे हैं, काफ़ी सालों से ख़रीदती आ रही हूँ। सो दिस वीडियो इज़ माई फुटवेयर कलेक्शन टिल नाउ 2020। तो मैं आपके साथ वो सारे कलेक्शन शेयर करूंगी, और ख़ास बात यह है कि जो जूतियाँ जो चप्पल मैंने राजस्थान से लिए हैं वो मुझे बहुत 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 अफोर्डेबल और बहुत अच्छे प्राइस और अच्छी क्वालिटी के मिले हैं। सो और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि व्यूज़ तो काफ़ी सारे मिल रहे हैं, बट प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ज़रूर ज़रूर याद रखना, और कमेंट भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी, क्योंकि मैं अलग अलग काम करती हूँ तो मुझे काफ़ी बार अलग अलग जगह अलग अलग चप्पलें लगते हैं पहनने के लिए। सो मैंने कभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, क्योंकि पता नहीं ये कितने सारे जनों की प्रॉब्लम होगी, मेरे चप्पल बहुत टूटते हैं बहुत। ऐसा नहीं है कि अगर मैं चीप लेती हूँ इसलिए या प्राइस ज़्यादा का लेती हूँ तो टिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे चप्पलें सच में बहुत टूटती है। हाँ, क्योंकि मैं चलने का काम भी काफ़ी करती हूँ, और आपको पता ही होगा अभी तो नहीं फ़िलहाल, लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त भी आपके चप्पल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजरते हैं। तो यही सारे कारणों की वजह से मेरे चप्पल काफ़ी दफ़ा टूटते आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चप्पल की शॉपिंग की है। सो अभी फ़िलहाल जो करंटली चल रहे हैं, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने नए ख़रीदे हैं स्पेशली राजस्थान से, तो वो सारे फुटवेयर्स आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो हाँ, आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको कौन से वाले मेरे फुटवेयर अच्छे लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये तो मैंने यहीं से लिए थे, मुंबई से ही लिए थे। ये बहुत अच्छे और मीडियम साइज़ की हील है, इसकी ज़्यादा हील है ही नहीं, ये एकदम प्लेटफॉर्म हील जैसी है। और ये मैंने लिए थे ताकि मैं कहीं भी पार्टी वगैरह में जाऊँ वेस्टर्न आउटफिट के साथ। ये चप्पलें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि एक तो ये बहुत सिंपल है, बेज है, न्यूड है, और ये आप देख रहे हो ये इसका रोज़ गोल्ड कलर मुझे काफ़ी पसंद आया, अट्रैक्ट किया, और मैंने लाइफ में हील्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्लेटफॉर्म हील ले लूँ, और ये अच्छी भी मिली, ऑफकोर्स अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, और ये मैंने शॉप से ख़रीदी थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये मेरी पहली पैर है सैंडल्स की, आप जैसे बोल सकते हो। उसके बाद मुझे जो बहुत अच्छे और जो पुराने हैं वो है ये राजस्थानी जूती, जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अफोर्डेबल थी। आई गेस मैंने ये अराउंड 250 की ख़रीदी थी, और क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल लुक देती है, आपको पता है आप इसको इतने अलग अलग ढंग से नंबर ऑफ़ वैरायटी के साथ पेयर कर सकते हो। ये पूरे वाइट एंड वाइट क्लोथ पे, वाइट शरारा, वाइट चूड़ीदार पे सूट करेगा। आप अगर ट्रेडिशनल घाघरा चोली पहनते हो, कोई भी ट्रेडिशनल आउटफिट पहनते हो, तो उसके नीचे डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और ख़ास बात तो ये है, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड में है, जीन्स टॉप के नीचे भी अच्छा लगता है। आपने जीन्स पहन ली और नी लेंथ तक की कुर्ती पहन ली और उसके नीचे ऐसी जूतियाँ पहनोगे ना, अमेजिंग लगेगा, इंडो वेस्टर्न लुक लगेगा। और कुछ ऐसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनो तो और क्या चाहिए। जूतों की जोड़ी जो कि ये भी है मोजरी, कैन यू जस्ट सी कितना पिकॉक का ब्यूटीफुल प्रिंट इन्होंने दे रखा है, और ये यहाँ पे ऐसे टैसल्स दिए हुए हैं, और यह अंदर का गोल्डन वाला पार्ट, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये मैंने शिवगंज से लिया था। अब मैं बता दूँ, पहली वाली जो पैर थी जो वेस्टर्न आउटफिट के लिए थी, वो मैंने यहीं से, जहाँ मैं मुंबई में रहती हूँ वहीं से शॉप किया। ये जो जूतियाँ थी वो भी मैंने राजस्थान से ली है, और ये भी राजस्थान से ही ली है, शिवगंज से ली है। मुझे ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, और ये मैंने
जब भोपाल में मैं किसी के शादी में गई थी तब मैंने ये पेयर किया था और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। और क्योंकि ये पीछे से ओपन है, इट्स ईजी टू वेयर, कम्फर्टेबल है, ऐसी कोई ये नहीं कि पैर में से निकल जाए। एंड आई गॉट दिस फॉर आई थिंक 280 अराउंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसके प्राइस बोल रहा था, 350 या ऐसा कुछ, तो मैंने बार्गेन किया तो मुझे 280 में मिल गई। अच्छा, जितने भी चप्पल मैंने बताया है ये लेटेस्ट तो नहीं है, बट हाँ ये मेरे न्यू कलेक्शंस में है, अभी तो इनको पहनना है। सोचा था मैंने कि बहुत सारे ऐसे शोज़ वगैरह होंगे तो वहाँ मैं अलग अलग पैर कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग के लिए वक्त अलग, गरबा परफॉर्म करते वक्त अलग, कुछ और टीचिंग करते वक्त अलग। सो आई होप के कमिंग ईयर्स में ये सारी मेरी जो बातें हैं वो मैं उसको रियली अप्लाई कर सकूँ। इसके बाद एक और, आपको पता है मुझे ऐसे वाले जो होते हैं ना ट्रेडिशनल ब्राउन लुक देने वाले चप्पल बहुत पसंद आते हैं। आई होप आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को ये पसंद होगा, कोल्हापुरी चप्पलें, राजस्थानी राजपूतीनी चप्पलें, तो ये सारी वो हैं, ये भी उसमें से एक है। इनको मैंने काफ़ी पहन लिया, ये इतनी दफ़ा मैंने पहना है ना, इसकी एक जोड़ी तो मैंने यूज़ करके घिस के फेंक भी दी, उसके बाद मैंने नई जोड़ी मंगवाई और उसको भी आप देख सकते हो मैंने इतना अच्छी तरीके से पहना हुआ है। ये भी मुझे कुछ अराउंड 250 के ही मिल गई थी। मैं जितने भी आपको चप्पलें बता रही हूँ सब 250 अराउंड है सिवाय इसके, ये थोड़ा मैंने एक्सपेंसिव लिए क्योंकि फ्लैट हील्स वगैरह है और क्वालिटी भी अच्छी ही है। इसके बाद नेक्स्ट ऑफ कोर्स ये स्पोर्ट्स शूज़, ये तो हर किसी के पास होंगे, ये कैंपस ब्रांड का है, ये कुछ अराउंड मुझे 500 या 550 के पड़ गए थे और बहुत कंफर्टेबल भी है। क्यों, साइकिलिंग के वक्त मैं ये यूज़ करती हूँ सो दैट आपके फीट जो है वो बहुत अच्छे से कंफर्टेबल रहे, पैर वैर मुड़ने का टेंशन ना हो। और कैंपस का ब्रांड इज़ वेरी अफोर्डेबल, वेरी गुड क्वालिटी। मुझे, मैं सोच रही कि और भी कुछ शूज़ में, स्पोर्ट्स शूज़ में इन्वेस्ट करूँ, सो कमिंग ईयर में डेफिनेटली मैं कुछ ऐसे स्पोर्ट्स शूज़ लूँगी जो मुझे कंफर्टेबल हो, मैं उसमें भाग सकूँ, साइकिलिंग कर सकूँ। सो लेट्स सी कि मैं कौन से वाले लेती हूँ, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरे लेटेस्ट प्रोडक्ट की खरीदी। अब जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये रिसेंटली, जब आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे राजस्थान के व्लॉग्स जहाँ मैं सादरी टूर आपको बता रही थी मेरे ननियाल पक्ष की जगह, तो वहाँ पे मैंने ये शॉप आपसे डिस्कस की थी। राहुल कलेक्शन करके कोई नाम है, हमारे घर के एग्जैक्ट नीचे ही है, और मैंने वहीं से काफ़ी सारे चप्पलें, जितने भी आप देख रहे हो ना ऐसे वाले, ये सारे जूती चप्पल मैंने वहीं से खरीदी है, क्योंकि एक तो हमारे घर के एग्जैक्टली नीचे है, मुझे उसमें सारी वैरायटी मिल जाती है, अफोर्डेबल है, एंड आई रियली कैनॉट रेजिस्ट माई सेल्फ टू बाय सच अ गुड फुटवेयर फॉर मी। सो मैं, मेरे कजिन्स, मेरे जितने भी रिलेटिव्स जो वहाँ रहते हैं, मेरी मम्मी, मामी, बहुत सारे लोगों ने वहाँ से शॉपिंग की है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मैंने वहीं से ये दो जोड़ियाँ इस बार ख़रीदी है। सो मैंने पहले सोचा था कि मैं आपको अलग से हॉल में बताऊँगी, फिर मैंने सोचा क्यों मैं उसको फुटवेयर कलेक्शन में ही दिखा दूँ, तो आपको दिखाती हूँ ये जूती। दिस इज़ सो गुड, वेरी वेरी सिंपल, बहुत बेज है कलर इसका, न्यूड कलर है। मुझे ना इसमें दो तीन कलर थे पर मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने पहन के देखा, ज़्यादा सूट किया। ये आप इतनी अच्छी तरीके से इसको पेयर कर सकते हो जीन्स के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा सूट करेगी जीन्स एंड आप जैसे लखनऊी चिकनकारी कुर्तीज़ जो होती है, अगर आपने वो कुर्ता पहन लिया नीचे जीन्स डालकर ये अगर आप पहनते हो तो इट लुक्स सो अमेजिंग, सो कूल। टीचिंग के लिए भी वो लुक काम आ जाता है और अगर मैं रिकॉर्डिंग के लिए जाऊँ तो भी वो लुक काम आ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी गुड, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसी लगी है, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। दिस आई गॉट फॉर 250 रियली। पता है आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जितना ज़्यादा बड़ा नाम होगा ना सिटी का, वहाँ पे प्रोडक्ट्स को वो एक्सपेंसिव ही बताते हैं। मैंने इसका एक देखा था जयपुर जोधपुर में दिखाया था, वहाँ पे 400-450 ऐसे इनके प्राइजेस बताते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे और प्राइजेस इतने हाई करते हैं, बट आप अगर बारगेन करो और आपको परख होनी चाहिए कैसा क्या मटेरियल है तो आप कम करवा सकते हो। एंड दिस इज़ वेरी गुड, 250 में दिस इज़ रियली वेरी गुड। और मुझे वार्निंग भी मिली है कि अब देखते हैं इतने सारे चप्पल हो गए तो तुम कब तक चलाती हो और कब तक तुम्हारे चप्पल अच्छे से चलेंगे। इसी मोजरी के साथ मुझे एक और पैर बहुत अच्छी लगी जो मम्मी के लिए हमने ख़रीदा, हाँ वो खाली कहने के लिए, उसके बाद तो मैं ही यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी और क्लासिक और बहुत सिंपल लगी, जो कि ये है।
आप ये देख रहे हो, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, ये और ये। तो ये जो टो स्लीपर है ये मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये भी मम्मी के तो सारे कॉटन की साड़ीज़ के नीचे चला जाएगा, ट्रेडिशनल पे भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये गोल्डन जैसा वर्क इन्होंने किया हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो आई गॉट फॉर 200 एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड, वेरी अफोर्डेबल, और मुझे ये काफ़ी पसंद आई। सो प्लीज़ मुझे जज मत करना मेरे कलेक्शन के ऊपर, कम ज़्यादा कैसा भी है मेरा कलेक्शन है ये। तो आई होप कि आपको मेरे ये फुटवेयर कलेक्शंस पसंद आए होंगे। अगर आपको भी मेरे जैसे ऐसे ट्रेडिशनल एंटी क्वर्की लुक वाले चप्पल्स पसंद है, फुटवेयर पसंद है, मोजरीज पसंद है, तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी सखी रिद्धि को सच में अपनी सखी समझना और कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अब मैं काफ़ी सारे ऐसे कलेक्शंस और शॉपिंग हॉल्स लेके आने वाली हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट। जो कमेंट ज़रूर करना कि कौन से वाले पैर आपको पसंद आए, जो अभी मैंने नए लाए वो कैसे लगे, जो पुराने थे वो भी कैसे लगे। सो बाय।